दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड और इसके अलावा 2016 अंग्रेजी, 2016 साइंस में, 2017 संस्कृत वाक्य साइंस में और इसके अलावा 2018 में जो गड़बड़ियां सामने आई है और तमाम ऑन इश्यू को लेकर आपके सामने मैं मौजूद हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले तो मैं उन लेवल टू के अभ्यर्थियों को जो आज मैंने पोस्ट डालकर आपको बता दिया था कि 4-5 दिन से मैंने लेवल न फर्स्ट के लिए डाला न सेकंड के लिए डाला, क्योंकि मैं आप लोगों को एहसास करा रहा था कि धरातल पे काम क्या होता है, हवा में क्या होता है। मैं भी गांव गया हुआ था, मैं भी घर से लाइव कर सकता था, घर से वीडियो डाल सकता था, हवा में कुछ भी फेंक सकता था कि मैंने ये किया वो किया, ये कर रहा हूं, अधिकारियों से बात हुई। 8 साल से मैं भी फील्ड में हूं ना, अधिकारी मुझे भी जानते हैं ना, बात तो मैं भी कर सकता हूं फोन पे। लेकिन नहीं, धरातल पे काम करना मेरी आदत है और काम करके जवाब देना ये मेरी पहचान है। कई लोगों के कॉल और मैसेज आए, मैं कई महीनों के बाद घर पहुंचा था। आज मैं 10 साल से माँ बाप और परिवार से दूर हूं, घर पहुंचा जहां मैं खेला कूदा बड़ा हुआ, परिवार के बीच में रहा। और हर व्यक्ति में आवश्यक कई अत्यावश्यक कार्य भी होते हैं जिनको पूरा करना होता है। हालांकि किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई खुद के पर्सनल भी जिंदगी है, कभी जी क्या, कभी अनशन 8 बार, आमर अनशन 8-10 बार, जेल, कितने धरने प्रदर्शन, पता है। 8 साल से संघर्ष जारी है और घर से 2009 में निकल गया था, भीलवाड़ा चला गया वहां एसटीसी की, इनकी मां बाप से 2009 में ही दूर हो गया था। कभी जाता था, रात को गया, सुबह उठ के आ गया, कभी समय नहीं दे पाया। लेकिन कई महीनों बाद वहां गया और अच्छा भी लगा, माँ बाप को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं माँ बाप और परिवार के पास था। उसके बावजूद भी कई लोग मैसेज करे थे मैं भूल गया, याद नहीं कर रहा, मैं सारी चीजें मेरी निगाह थी, मैं किसी चीज को नहीं भूला, मुझे सब याद है यार। आज मैं आया, मेरे साथी रविंद्र हो, महिपाल हो और भी साथी गाँव से, उनके घर पे भी कार्य है तो वो कल तक आएंगे, लेकिन मैं अकेला हूं आज आया हूं, मैं मेरे साथी नहीं, अकेला आया हूं। और आने के बाद मैं सचिवालय गया हूँ, अधिकारियों से निवेदन किया हूँ, मिला हूँ और वो आप जो लेवल टू की फाइल थी, जो उनका कंटेक्ट नोट था, वो दिल्ली भिजवा दिया है। और दिल्ली वहां टीम बनी हुई है, उनकी कमेटियां बनी हुई है और अगले वीक में संभावना है कि उसकी अनुमति मिल जाए। जो शिक्षा विभाग ने जो कंटेक्ट नोट बनाया है उसमें 5200 वो लोग जिनका जिला परिवर्तन है पहले से पोस्टेड है और 5681 लोग वो है जो आप लोग रिसेफल वेटिंग में चयनित हुए हैं। इसमें बीकानेर वाले भी शामिल है, जिन जिलों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी भी अनुमति शामिल है। अनुमति मिलते ही जो आदेश ज्वाइनिंग के होंगे उसमें ये भी होगा जिन जिला परिषदों ने काउंसलिंग नहीं करवाई वो काउंसलिंग कराकर इतनी तारीख तक पद स्थापित करें। इसलिए बीकानेर सहित कई जिलों में काउंसलिंग नहीं है 2-3 में, वो टेंशन ना करें। हालांकि कहा जा रहा है हर जगह होगी लेकिन बीकानेर का मुझे पता नहीं हुई। तो अनुमति मिलते ही आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, मैं आपके साथ हूं, ये मेरा आपसे वादा है। अब वहां जो संभावना बता रही है कि जहां वहां मीटिंग होती है, मीटिंग में ये निर्णय लिया जाता है। तो जिस प्रकार शिक्षा विभाग ने जो लेटर भेजा उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहां तक इनकी कार्य प्रोसेस पूरा हो चुका है, यहां तक उनका कार्य प्रोसेस पूरा हो चुका है और काउंसलिंग तक हो चुकी है, केवल ज्वाइनिंग प्रक्रिया देनी है, पुरानी बढ़ती है और आचार संहिता से पहले आदेश जारी हो चुके थे। आपके पक्ष में मजबूती से आपका पक्ष रखा गया है, जो दिल्ली निर्वाचन आयोग को भेजा गया, आज मेल के माध्यम से कंटेक्ट नोट भेजा गया है। हालांकि मेरी पोस्ट के बाद कई लोग पोस्ट भी डालने लगे, उनको कॉपी पेस्ट करने की उनकी आदत है कि ये हो गया वो हो गया, 4 दिन कहां चले गए थे। कुछ लोगों ने वीडियो डालना बंद कर दिया, कुछ ने वीडियो डाला तो गोलमोल बात की, हमारी अधिकारी से बात हो गई, हमारी वो हो गई, ये नहीं कहा कि परिणाम क्या होगा, काम किसको करना कहते हैं, काम उसको करना कहते हैं कि सापड़ा से पूछा गया, अधिकारी से निवेदन किया, फाइल निकल भाई और दिल्ली भिजवाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री मोदी जी को जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी पूरा सहयोग कर रहा है। लेवल प्रथम के अभ्यर्थी गए थे, उनको भी कहा था कि मैं सारे पद भरूंगा, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो पूरा सहयोग कर रहा है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र, मैं धन्यवाद दूंगा। दोस्तों कई लोगों ग्रुपों में यह देखता हूं कि धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन में बैठेंगे। उन सूरवीरों से निवेदन है, तुम जयपुर में एक दिन परमिशन लेके तो दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, तुम परमिशन लड़ोगे तो मैं मान जाऊंगा, आपको सैल्यूट करूंगा। ये तो जयपुर में मैं प्रोग्राम करता हूं, आसानी से मैं कैसे करके परमिशन लेके आप लोगों को बुला लेता हूं, कभी परमिशन लेना, ये आचार संहिता लगी हुई है, घर बैठे बात मत करो।
अभी सरकार बने, दिसंबर में बनी थी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने निकले, काम किससे करवाना है? इसी सरकार से, इसी सरकार से काम करवाना है। जब जब मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, मांग क्या रखी हमने अभी 4 तारीख को मिले था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मजबूती से पेरियो केस हो, हमने मांग रखी कैलेंडर और वो नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश हो, हमने मांग रखी एलडीसी 2013-18 का परिणाम जारी हो और आरकेसी सेकंड गेट वाले को बात रखी। उन्होंने बीएल जाटाऊ जी को फोन किया, 10 तारीख से पहले उनका परिणाम आ गया, सुप्रीम कोर्ट में अपना निस्तारण हो गया। और जो जो बातें रखी हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जोधपुर हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल को भेजने की मांग रखी थी जब 13 तारीख को स्टे आ गया था, तो हर जगह हमारी सरकार ने मांग मानी है। तो इसलिए हम लोगों को सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, हमारी मांग पूरी करवानी है। विरोध तब होता है, कुछ लोग समझेंगे कि उपेन यादव तो कांग्रेस का वो है, चमचा है वो है, अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, खुला ठोक के काम करता हूं। रिकॉर्ड उठा के देख लेना 2012 में सरकार किसकी थी, उस समय कांग्रेस के समय भी हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बात सच्चाई की है। जब कांग्रेस हमारा काम करी है, तो हमारा काम कर रही है, जो हमारी मांगे मान रही है, मुझसे मुख्यमंत्री साहब खुद मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री मिल रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई मैं कैसे खिलाफत कर दूं? इसी सरकार से काम करवाना है। जब एक समय था जब चुनाव होने वाले थे दिसंबर में, तो एक चाणक्य नीति के द्वारा एक शानदार फैसला लिया कि हमें कांग्रेस को समर्थन करना है। कुछ लोग मुझे फोन करते कि भाई साहब हमने समर्थन दिया था, हमारा क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं हो रहा। भैया समर्थन दिया तब 4 दिन लगातार सुनवाई, एजी साहब उतरे जोधपुर गए, यहां गए भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उतरा और आपका मामला हल करवा दिया, क्या साथ नहीं थी उन्होंने, यहां तक आप लोगों को नहीं पूछा दिया? इसलिए कई बार तो ऐसे लगता है कि मेरे को वोट दे दिया, मेरे को एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। अरे मैं तो पागलों जैसे घूमता रहता हूं, भूखे तैसे खाना बिना खाए पागलों से, आप लोगों के लिए दिल्ली तक, आप बताओ कहां नहीं गया। कुछ कहते आपने वादा किया था, अरे वादा किया था कहां पीछे हटा, मैं मुख्यमंत्री निवास जाके आया था, ओम प्रकाश विष्णु भी मेरे साथ था और मुख्यमंत्री ओएसडी साहब से मिलकर आया था, कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके बात कराता हूं। और परसों फिर डिप्टी सीएम साहब से मुझे समय मिला है, मैं उनसे मिल रहा हूं, आप लोग भी प्रयास कर रहे, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की मंशा है चुनावी लाभ लेना चाहती है, तो फिर पिछली बीजेपी सरकार ने 26,000 का चुनावी लाभ क्यों नहीं लिया, कैसे भर्ती अटक गई, कैसे कई भर्ती अटकी पड़ी है? भैया यहां पीछे भागकर फाइल निकलवानी पड़ती है, काम करवाना पड़ता है, कैसे 4-5 दिन तक ये फाइल पड़ी रही? मैं गया सीएस से फाइल निकलवाई, निर्वाचन विभाग में भिजवाई, भागना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है। उसके बाद मैं गांव चला गया, क्यों किसी का वीडियो नहीं आया, क्यों किसी ने फाइल क्यों नहीं निकला हुई लेवल 2 की, और आज कैसे दिल्ली जयपुर से आती है, आज कैसे दिल्ली चलेगी, और यदि दिल्ली 7 दिन में उसकी अनुमति नहीं मिलती है, तो 7 दिन के बाद 1 अप्रैल को फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोग दुखी है परेशान। तो दोस्तों काम करना पड़ता है धरातल पे, वीडियो डालने से, लाइक आने से, कमेंट लेने से, शेयर करने से कुछ नहीं होता, काम धरातल पे करना होगा। ये लेवल 2 के अभ्यर्थियों कहना चाहता हूं। अब कुछ लोग लेवल 1 वाले कह रहे हैं कि लेवल 2 का तो ऐसे काम हो गया, लेवल 2 वालों को पूछिए, हर जगह साथ दिया उनका, कहा 25-28 के बीच में रिजल्ट आएगा, आया, कहा कि इस दिन आपका कैलेंडर और जिला आवंटन हो गया, हो जाएगा। मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूरा सहयोग किया, और अब चुनाव आयोग में जो फाइल गई है उसके लिए मैं पीछे भाग रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश लेवल 1 के लिए भी कर रहा हूं। जब पूरी भर्ती को हाईकोर्ट की एकलपीठ डिवीजन बेंच जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट से निकलवाया, तो क्या मैं इसको भूल जाऊंगा क्या? मुझे हर चीज का पता है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। और रही बात मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, शिक्षा मंत्री है, यार मैं कोई एमएलए मंत्री नहीं हूं, मैं न्यू, पिछले बार भी 1 महीने से टाइम मांगा तब टाइम मिला, अभी कोशिश कर रहा हूं समय मिले, मिलो या आपकी बात रखो, मुझे पता आपकी बात रखनी है, मुझे आपका रिजल्ट निकलवाना है, कब चौका मारना कब छक्का मारना मुझे पता है, मुझे भी याद है, मुझे पता है जब तक आपका काम नहीं होगा पीछा नहीं छोड़ोगे, मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी, बस लापरवाही इतनी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घर चला गया, परिवार से मिल लिया, लेकिन आते ही आपके काम में लग गया। आज मेरी डिप्टी सीएम के वहां बात हुई थी, मुझे परसों को समय दिया, मैं मिल रहा हूँ। झालावाड़ में भी जो सुरेश गुजर जी है उनसे मेरी बात हुई थी कि आपके अभ्यर्थी आए थे, मैं पूरा साथ दूंगा, तो सभी लोग झालावाड़ पूछे, सुरेश गुजर जी से मेरी बात हुई है, आप मेरा नाम लिख के उनसे मिलिए, वो पूरा सपोर्ट करेंगे, कोशिश सब मिलकर कर रहे हैं।
मैंने जो भी प्रयास किया आज तक वो प्रयास सफल हुए हैं और मुझे विश्वास हो। कई लोग क्या गारंटी, मैं गारंटी कैसे दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो प्रयास किया वो सफल हुए हैं। और इससे पहले क्या हुआ प्रोसेस में, मैं जब सीएम हाउस गया था उसकी मैंने आपको डिटेल नहीं बताई। मैं सीएम हाउस गया था तो सीएम हाउस मुख्यमंत्री ओएसडी से बात हुई हो कि हम निदेशक मोदी से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट तो आए चाहे जूनी के बाद हो जाए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कई लोगों ने गलत फहमियां भी डाली थी कि भर्ती के पद लेप्स कर दो, ये कर दो, नहीं भर्ती वो कई चीजें, तो वो गलत फहमियां भी हमने निकाली है, बात रखी है। और इसके अलावा अब कोई भर्ती के पद लेप्स नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री जी का आपने बयान देखा होगा, कोई भी भर्ती के पद लेप्स नहीं होंगे, न होने दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लग चुकी है, अभी छुट्टियां चल रही है और जैसे ही जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी हम दोनों प्रोसेस कोर्ट से भी और वैसे भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब कह देना, कई लोग ज्ञानी कहते हैं ना कि हम वो कर लेंगे कोर्ट से करेंगे, भैया किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट में जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लगवा दी है, मैंने खुद ने एडवोकेट से बात की है, किसी लड़के को भेजा है, उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दी, याचिका लगवा दी, कुछ कागज कल और देने हैं और जोधपुर हाईकोर्ट से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से भी आदेश मिल जाए और यहां से हम प्रेशर बना रहे हैं जिससे हम सरकार को कह सकते हैं कि कोर्ट ने भी कहा निकालो अधिकारियों पे दबाव बना सके। और कुछ लोग जो लंबी लंबी फेंकते हैं ना अधिकारियों ने ये कहा सरकार पे दबाव बनाओ ये बना, यार किसका मूर्ख बना रहे यार। चलो मैं चलता हूं, आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आपकी एक भी बात सही हो जाए बताओ, काम धरातल पे करो, धरातल से काम करोगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम ठोकेंगे। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे पता है वैसे बहुत पब्लिक ऐसे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई मेरा ट्विटर हैक कर रहा है, कोई मेरी यूट्यूब चैनल हैक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मुझे पता है कि कोई एक बड़ी गैंग लगी हुई है, लेकिन मुझे गिरा नहीं पाओगे, गिराने के चक्कर में तुम इतना गिर जाओ कभी उठ नहीं पाओगे, सच्चाई और ईमानदारी कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों एक नया ट्रेंड और चला, मैंने एक चीज नोट की है, कई जगह पता चला जैसे मैं रहा कि लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो एक ईमानदारी को चैलेंज करने लगे कि उपेन यादव बेरोजगारों से फोन कर करके अकाउंट पैसे डलवाता है, ये डलवाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आरोप लगाने वाले लगा देते, देने वाला कोई नहीं आ रहा कि मैंने डलवाए, क्या झूठे आरोप लगाने से कोई बदनाम हो जाएगा? ये राजस्थान के प्रदेश के समस्त बेरोजगार जानते हैं कि उनके दुख में कौन खड़ा रहता है, सबसे पहले लाठी खाने के लिए कौन तैयार रहता है। यदि आपको उपेन यादव बनना है ना, जैसे तगड़ा संगठन बनाना है, जो लोग रात दिन ये सोचते हैं कि इसको बदनाम करके गिराते हैं, कभी एक दिन जेल जाके देखना, कभी सिर फुड़वा के देखना, कभी 13 दिन तक अनशन पे बैठना, आईसीयू में जाना, पता लग जाएगा अनशन कैसे किया जाता है, सिर में टाके कैसे लगते हैं, जेल में कैसे रातें गुजारी जाती है। ये उपेन यादव भी ऐसा ही नहीं बना है। वो दिन मुझे याद है कि एक एक दाने के लिए तरसता था जब अनशन पे रहते थे, हमारे साथी तरसते थे बीकानेर के, आज मुझे घटना याद है, आरपीसी के सामने याद है, शहीद स्मारक के सामने याद है, एसएमएस की याद है मुझे। मेरे जीवन में 7 से 8 बार हमने अनशन किया है, शरीर खराब किया है मैंने, और जो 8 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लोगों की एक पर्सनल लाइफ होती है उछलने कूदने की, घूमने की, जीवन जीने की, मैंने वो लाइफ आप युवाओं के लिए गुजारी है, आप लोगों के लिए लगा हूं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे लाखों बेरोजगारों के उनके माता पिताओं का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूं, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उपेन यादव एमएलए मंत्री ये बनना चाहता है, अरे मैं तो आज ही एमएलए मंत्री से कम नहीं हूं, क्योंकि राजस्थान के लाखों बेरोजगारों ने अपने दिल में जगह दे रखी है, अपने दिल में जगह दे रखी है, और वो जगह कोई नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों मैं रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, जोधपुर हाईकोर्ट में हमने याचिका लगा दी है, उसकी सुनवाई अभी छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी। इसके अलावा पूरा प्रयास कर रहे हैं, सीएम के ओएसडी साहब से मिला हूं और परसों डिप्टी सीएम से मिला हूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं, ये प्रयास सफल भी होगा, आप लोग भी प्रयास करें। और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के लेटर पेड पर सब जगह ज्ञापन देना होगा तो उनको एहसास हो कि हाँ ये संगठन हमारे साथ है। इसलिए लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को कहना चाहिए कि मैं कोई मशीन नहीं हूं, जितना प्रयास वो कर रहा हूं और उसका परिणाम भी मिलेगा। बस घर चला गया था, घर से वापस आया हूं। आप पहले की चीजें मत भूला करो कि आपके भर्ती आने से लेकर एकलपीठ डिवीजन बेंच जोधपुर सुप्रीम कोर्ट तक कौन साथ था, कौन आपके दुख में साथ था, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। आगे भी मैं साथ रहूंगा और जब तक आप स्कूलों में नहीं पूछे आपका रिजल्ट ना जाए,
हम प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि हम लोग सरकार के ऊपर इतना बड़ा यानी कि आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्यों, क्या कारण आंदोलन करें? अरे आंदोलन उतर भी जाए, मैं चैलेंज देता हूं, खुद सब कुछ कर लूं, मैं डरता नहीं किसी से, लेकिन ये बता दीजिए किसकी सरकार रहेगी अब 4-5 साल तक? यही सरकार रहेगी और इसी सरकार से हमें काम करवाना है। इसलिए जो सरकार हमारा काम कर रही है बिना आंदोलन से, तो हम लोगों को सरकार के साथ रखकर काम करवाना होगा। यदि दोस्तों सरकार धोखा करती है, आप लोगों का काम नहीं करती, तो उपेंद्र यादव आपके साथ है, सबसे पहले आप कहोगे अनशन पे बैठना, आप कहोगे लाठियां खाने, आपके लिए जेल में जाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन सरकार पे आरोप तब लगाया जाता है सरकार काम नहीं करे। इस मामले को लेकर मैं पहली बार उप मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उनके सामने बात करूंगा, पहले गया था बात नहीं हो पाई थी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा और शिक्षा मंत्री से भी मिलूंगा, और कोशिश है कि हमारा आचार संहिता के दौरान रिजल्ट आए, आचार संहिता हटती आप लोगों स्कूलों में नियुक्ति मिले, आपके सपने साकार। ये लेवल फर्स्ट के लिए है, लेवल सेकंड वालों को ये कह दूं दोस्तों, हम लोग 7 दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल को हमारा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा, और जिस प्रकार आपके फाइल ये है, जिस प्रकार जितना मेरा सहयोग है मैंने किया है, लेकिन आपके भी ग्रुप में कुछ लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव कहाँ गया, मैं कितना ही कह सकता हूँ कहो, लेकिन कभी ये सोचना कि लेवल फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड वाले कि मेरा ऑडियो वीडियो नहीं आता तो कितनी बेचैनी हो जाती है। मैं झूठा वीडियो ये नहीं डालता, मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे झूठे वाई वाई नहीं चाहिए। मैं जब पोस्ट और वीडियो डालता हूँ, जब आवश्यकता हो और कुछ धरातल पे काम किया हो, मैं घर था, घर पे मैंने 3-4 दिन वहां रुका, मैंने कोई काम नहीं किया, आज आया हूँ, काम किया, आपके सामने आ गया, लोगों की बेचैनियां थी उनको दूर किए, कि लेवल फर्स्ट को भूल गया, नहीं बुला यार, मुझे याद है, जो वादा किया वो पूरा करूंगा, लगा हुआ हूँ। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बन गई थी, लोग आपकी इस पदों को लेफ्ट करने के लिए भी पहुंच गए थे, काफी लोग हैं वो चाहते नहीं कि वो चाहते कि हमें जो नहीं, हम नहीं खाए तो दूसरे को खाने नहीं दे, वही लोग वापस पहुंच गए इस पदों को लिफ्ट करवाने के लिए, कि साहब लिफ्ट कर दो, नई भर्ती निकाल देना। फिर मुझे पता है कैसे क्या हुआ, लेकिन इतना कह सकता हूं आप लोगों के मैं साथ हूं, आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, संयम बनाना होगा, लेकिन भविष्य आपका उज्ज्वल होगा, विश्वास आपको रखना होगा। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि उपेंद्र यादव ने एक बेरोजगार महासंघ के अकाउंट नंबर खुलाए तो लाखों रुपए आ गए होंगे, 40 से 42 हजार उसमें आए हैं, वो 8 साल जो संघर्ष किया, 9 महीने 26 हजार लोगों के लिए भागा और बढ़ते हुए, वो मात्र आए हैं लगभग 50 हजार से ज्यादा पर महीने का खर्चा, तो अभी भी होता हमारा, 1 महीने का खर्चा भी नहीं आया, लोगों के गलत फहमियां है, मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन कभी मेरी जगह आके बैठे, मैं उसको मेरा स्थान दूंगा, मेरा ऑफिस दूंगा, काम करके दिखाई, फिर पता चलेगा काम कैसे होता है। अंगुली उठाना आसान होता है, काम करना मुश्किल होता है। इसलिए मुझे आप लोगों को इतने साथ दिए कि जो व्यक्ति मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाए, मुझे बदनाम करने की कोशिश करे, प्लीज उनको जवाब जरूर आप दें। मैं आप लोगों के वादा पूरा करने के लिए, आपकी मांगे पूरी करवाने के, आपके स्कूलों को चाहने की, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। हंसता हुआ आपके सामने रहता हूँ, और हंसता हुआ आपके चेहरे पे मैं खुशियां ला कर दूंगा, और आपके चेहरे पे खुशी होंगी, आप स्कूलों में होंगे, जो कहा वो किया है, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर उन लोगों को जवाब तो दे सकते हो, आगे आपकी मर्जी। इसके अलावा दोस्तों मैं कब कई 2016 अंग्रेजी और साइंस मिथ वाले 2016 वाले मेरे पास आए थे, मंत्री जी से मैं भी मिलकर आया था, वो मिलकर आए थे, मंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद मैं फाइल मंगवा के समीक्षा करके जो डीबी में अपील करने वाली बात थी उसमें समीक्षा करूंगा और स्वयं अपील का फैसला लेंगे। तो दोस्तों जब मंत्री जी ने आपको भी कहा, मुझे भी कहा इंतजार करने के लिए, तो थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना होगा। कई पोस्ट में मैं 2016 का नाम नहीं लूँ तो ये मत कहना कि मैं भूल गया, नहीं बोला, जैसे चुनाव समाप्त हो आपके सामने मैं जाऊंगा, और यदि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात होती है तो भी मैं आपकी बात रखूंगा, भूला नहीं हूँ, और आप जब बुलाओगे आपके साथ हूँ, क्योंकि आपके दर्द को मैं समझता हूँ। जो आप लोग आए थे, जो उम्र हो चुकी है, कई महिलाएं भी थी, लेकिन जब भी मुझे याद करोगे आपके साथ मैं रहूंगा। 2016 के अंग्रेजी विषय वालों को मैं कह रहा हूँ, जो कोर्ट जोधपुर हाई कोर्ट में जीते थे, और उनको भी जो दिशा निर्देश दिए थे कि जो कोर्ट में याचिकाएं लगानी उसमें कैसे क्या करवाना, वो आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी है। साइंस मिथ वाला मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा था, यदि आपका फैसला आ जाता तो कहीं ना कहीं आप लोगों का, क्योंकि इसमें 100% आप जीतोगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि 18 की काउंसलिंग जो प्रक्रिया पहले हुई थी, 16 के बाद में हुई थी, तो ऐसे में आप मजबूत हो, आपका काम आसानी से हो सकता है,
मेरे पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए, जीतोगे लेकिन ये काम पहले होता था, कहने के आपको लाभ होता, लेकिन फिर भी जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। साइंस में 2016 वाले 2017 संस्कृत विभाग वाली याचिका लगी है, छुट्टी के बाद सुनवाई होगी, और इस संबंध में सुभाष गर्ग जी से बात हो चुकी थी कि कोर्ट से आदेश आ जाएगा तो उस आदेश की पालना कर लूंगा, डीवी में नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों हम कोर्ट में इसकी आपके पक्ष में फैसला करवाकर इसके जो पद लैप्स नहीं होने देंगे, आप अभ्यर्थियों के मैं जो आपके तमाम साथी है उनको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे जहां बुलाओगे आपके साथ रहूंगा, मैं तमाम उन बेरोजगारों के साथ देता हूँ। 2017 के जो संघर्षशील साथी है वास्तव में इनके व्यवहार से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जब ये मुझे 12 बजे बुलाएंगे तो इनके साथ आऊंगा। यार वास्तव में ईमानदार बहुत अच्छे व्यक्ति, आऊंगा मैं, साथ दूंगा मैं, केवल आप लोगों के प्यार क्या भुखाऊं किस चीज का नहीं। आप लोगों ने जितना मान सम्मान दिया इस मान सम्मान का बदला जरूर चुकाऊंगा, यानी कि आप लोगों का पक्ष में फैसला करवा आपकी वेटिंग और रिसीवर निकलवा कर आपकी ज्वाइनिंग तक पहुंचा कर जरूर वादा निभाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं जो आरपीएससी हम जाके आए थे हेडमास्टर एसआई भर्ती और सेकंड ग्रेड के परिणाम के लिए, उसने एक दो वीक के लिए कहा था, पिछला वीक ये वीक, ये वीक भी खत्म होने वाला है। यदि हेडमास्टर एसआई का 9 अप्रैल तक परिणाम नहीं आता तो 10 अप्रैल को आरपीएससी का हम घेराव करेंगे। दोस्तों पहली बार हम गए, ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी, दूसरी बार चेतावनी हम दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि लोग सोशल मीडिया पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक इंसान हूं। 1 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट में भी कर लिया, कल भी कुछ लोग आ रहे हैं और परसों डिप्टी सीएम से मिलना है, तो लगातार यहां भी मैं बिजी रहता हूं, लेकिन ना कह सकता हूं कि 9 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, नहीं निकालते हेडमास्टर एसआई का परिणाम तो 10 अप्रैल का आप तैयार रहना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का अप्रैल महीने का इंतजार किया था तो अप्रैल महीने का सेकंड ग्रेड वालों को इंतजार करना पड़ेगा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 वालों को सेकंड ग्रेड आपको इंतजार करना पड़ेगा अप्रैल तक। रही बात झालावाड़, मेरी बात हो चुकी थी और 2018 रीट लेवल 2 में जो गड़बड़ियों सामने आई वो लोग मेरे पास आए तमाम, मनोज दाहिल जी जो चोरू के रहने वाले हैं और कई लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे पूरे आंकड़े दिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को जिन्होंने अच्छी तरह से छापा चलाया, क्योंकि बड़ी गड़बड़ी हुई थी, एक एक व्यक्ति का दूसरे विषय में ज्वाइनिंग हो रही है वो दूसरे विषय में भी उसका नाम आ रहा है। हालांकि एक चीज बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री ओएसडी से हमारी मीटिंग हुई थी उप निदेशक चारण साहब वहां मौजूद थे, तभी मैंने कहा था कि समस्या आएगी पोस्टेड अभ्यर्थियों का फिर चयन होगा, लेकिन उस समय ओएसडी ने यह कहा था कि दोबारा वेटिंग और आ जाएगी, जो भी द्वितीय एक और सूची और आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा प्रयास एक और सूची आए, प्रयास कानूनी रूप से कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी भी मेरे पास आए थे। तो 2018 के लेवल 2 में जो 3000 से ज्यादा पद खाली है, 3000 से ज्यादा पद खाली है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मुझे पता है जब आप लोगों को भी मैंने देखा, आप लोग कई चूरू के थे, कई अलग अलग जिलों के रहने वाले थे, मेरे ऑफिस आए और जिस प्रकार आप लोगों ने आशा मेरे से रखी, मैंने पूरा साथ दिया, मीडिया के सामने आपकी आवाज उठाई, बात रखी, आगे पूरा साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा जिससे आपका परिणाम आ सके और आपके सपने साकार हो सके। क्योंकि वास्तव में गलत हुआ, क्योंकि दोस्तों ये सिस्टम इतना गलत हो चुका है कि एक ही व्यक्ति का बार बार चयन होना, वो जा भी नहीं रहा, फिर भी यदि उसकी जगह उनको रोक कर दूसरे का चयन कर दे कितने लोगों को खुशियां मिलती, 3000 से अधिक परिवारों को ये खुशियां नसीब होती। अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियों का जो उन्होंने अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये केवल जिला कलेक्टर महोदय जी को पूछा है कि क्या आप इस समय हमें सेंटर उपलब्ध करा सकते हो, तो दोस्तों ये संभावित तारीख है और हो सके यदि कलेक्टर की तरफ से सहमति यस में आती है तो ये परीक्षा तिथि सेम टू सेम रहने की संभावना है। दोस्तों नई भर्तियों की बात रही, नई भर्तियां चुनाव के बाद ही आएंगी, क्योंकि आपको पता है अब किसी भी हालत में कोई भर्तियां नहीं आने वाली, और ये भी पता है चुनाव के बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, तभी आएंगी। लेकिन मेरा एक ही सपना है, जितने पद रिक्त हो प्रति वर्ष भर्तियां निकाली जाए, टाइम फिक्स कर दिया जाए कि शिक्षक भर्ती दिसंबर में होंगी, अधीनस्थ की इस समय होंगी, तो ये कैलेंडर एक रूप से जारी किया जाए। ये आज की मांग थी, मेरी पहले की मांग है, कई लोग मांग भी चुराने लग गए, ये पहले की मांग है कि प्रति वर्ष भर्तियां निकाली जाए, जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, बाहरी राज्य का कोटा कम हो और सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यदि हिस्सेदारी होती ना तो ना हमें झालावाड़ भागने की आवश्यकता होती, ना कभी शिखर भागने की आवश्यकता होती, ना धौलपुर, ना कहीं। हिस्सेदारी होती है, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला वहां बैठता, अधिकारियों के साथ बैठ के कहता कि क्या स्थिति करो, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री से मिलता और हमारा काम होता।
हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, ये हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। किसी को बना दीजिए, कुछ लोग कहेंगे पेन यादव बनना चाह रहा, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कम से कम मैं भी किसी के सामने बात तो रख सकूं। मैं अकेला कभी अजमेर, कभी दिल्ली, कभी हाईकोर्ट, कभी सचिवालय, कभी अधीनस्थ बोर्ड, कहां बगूंगा अकेला, कभी संस्कृत विभाग, कभी शिक्षा संकुल, कहीं ना कहीं एक हमारी निर्धारित जगह हो, हमारा व्यक्ति हो, हमारी संस्था हो, हमारा बोर्ड हो, जहां हमारी बात रख सके और आपकी समस्या का निदान हो सके। जोधपुर हाईकोर्ट की मैंने बताई दिया, अब देखना काफी लोगों का वीडियो भी आएंगे। लेवल टू की मैंने हर चीज से आपको अवगत करवा दिया, प्रोसेस भी बता दिया। कई लोगों ने आपको झूठ बोला था कि दिल्ली फाइल गई, दिल्ली फाइल आज गई है, अजय लोगों को विश्वास नहीं है तो आज पता कर लीजिए कि मेल आज गया कि नहीं गया, शाम को कंटेक्ट नोट किया कि नहीं गया, जिसमें 5200 पद अलग थे और 5586 पद अलग थे, 5586 जो चयनित हुआ है और जो 5200 वो है जिनका जिला परिवर्तन हुआ, जो पहले से पोस्ट, उनकी अनुमति मांगी है, जिसमें बीकानेर वाले भी सब शामिल है। अब मैं कोशिश रहूंगा आप लोगों को जल्द से अनुमति मिले, उसका प्रयास मैं करता रहूंगा और आप लोगों के चेहरों पर खुशी आए। लेवल फर्स्ट वालों को मैं कह दूं, आप भी प्रयास जो कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, मिल रहे हो, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। कभी भी किया गया संघर्ष विफल नहीं जाता, हम सबको मिलकर करना होगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर आप उन लोगों को जवाब देना होगा जो लोग रात दिन ये सोचते कि पीएन यादव को गिराया कैसे जाए। उन लोगों में कई बार कह दिया कि गिराने के लिए एक सबसे बड़ा मंत्र यही है कि किसी व्यक्ति को गिराना है तो उससे अच्छा काम करो, ऑटोमेटिक वो गिर जाएगा। लेकिन किसी को झूठे आरोप लगाकर, उसके खिलाफ बुराई करके, उसको उल्टा बोल के, कोई ऐसा नहीं करता कोई इंसान क्योंकि काम बोलता है और किसी के भाव से मैं नहीं डरता। कई लोग चैलेंज देते हैं, कई लोग मारने एकदम की देते हैं, कई लोग ट्विटर हैक करते हैं, कई लोग यूट्यूब हैक करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब मुझे जेल में डाल दिया, जब मैं अमरन सिंह बैठा आईसीयू में चला गया, तभी नहीं खबर है मरने से, क्या अब घबराऊंगा? मैं जितना दम लगाना है लगा लेना, सीना ठोक के कहता हूं हार नहीं मानूंगा, संघर्ष मेरी पहचान होगी, मर जाऊंगा लेकिन कभी हार नहीं मानूंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, जो कहता हूं वो करूंगा, जो कहा है वो पहले किया है, संघर्ष ही मेरा नारा है और संघर्ष ही मेरा जीवन है और यही मेरी पहचान है, लड़ूंगा छुपूंगा नहीं। तमाम मैं बेरोजगार अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आशाएं आपको रखनी होगी, पॉजिटिव आप लोगों को रहना होगा। यदि मेरे हाथ में ये होता तो मैं यूं कर देता, लेकिन बंधन व्यक्ति की वो भी चीज होती है कि कई बार छोटी बात कहकर किसी को नाराज करके अपने पैरों पर खुलाड़ी मारना होता है। कई लोग मुझे ज्ञानी ज्ञान देते हैं, मैसेज करते कि ये करो आंदोलन को, वो करो, भैया मुझे किस प्रकार काम करवाना है, यदि मैं सरकार से उलझ जाता, समर्थन नहीं देता, एजी साहब नहीं आते, भर्ती निकलती। उस समय तो लोग कहते थे कि कांग्रेस का विरोध करो, लेटर का विरोध करो, यदि मैं उस समय विरोध करता तो क्या कांग्रेस के पास मैं जा पाता? आप सोच लीजिए कि मेरा फैसला गलत था सही था, और वही फैसले आज मैं ले रहा हूं। मैं फैसले छात्र हित में लेता हूं, बेरोजगार हित में लेता हूं, और भगवान के आशीर्वाद से वो फैसले सही साबित होते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और सबसे मैं निवेदन ये कहना चाहूंगा कि इस मेरे वीडियो को कोई भी देखे, कोई भी डाले, लेकिन आप लोग उपेन यादव बेरोजगार महासंघ एक यूट्यूब चैनल जो मेरा है, इस पे जरूर जुड़े, क्योंकि इसमें मैं हर वो अपडेट दूंगा जो लोग गलत फहमियां फैलाते हैं, जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, उन लोगों की पोल भी खोलूंगा। हवा में नहीं, धरातल पर काम करना मुझे आता है, उसका आप लोगों को भलीभांति पता है, इतना मैं जरूर जानता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपके बीच में आया हूं, और डिप्टी सीएम से क्या बात होती है, अधिकारी से क्या बात होती है, उसके बाद भी आपके बीच में आऊंगा, मेरा प्रयास जारी है और कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि इंसान अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकता है जो आपके सामने, आप भी करो। और लेवल सेकंड वालों को मैंने बता दिया, इसके अलावा नई भर्ती अभी नहीं आएंगी, चुनाव के बाद आएंगी, बाहरी राज्यों का कोटा कम हो मुझे याद है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि लेवल फर्स्ट सेकंड एलडीसी पता नहीं एक व्यक्ति के पीछे क्या क्या पड़ जाता है, मैं मेरी पर्सनल लाइफ तक भूल चुका हूं।
लेकिन जहां तक होगा मैं नहीं भर्ती होकर आवाज उठाऊंगा, वाद्य राज्य का कोटा कम हो, प्रतिवर्ष भर्ती आए, सरकार में हिस्सेदारी हो, तमाम कई मांगों को लेकर मेरा आंदोलन जारी रहेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा कम होना अत्यावश्यक है, जिससे राजस्थान को अभ्यर्थियों को मौका मिले और जो टेक्निकल विभाग में कई वर्षों से भर्तियां नहीं आ रही वो भी आए और हर विभाग में जितने लोग रिटायर्ड हो वो भर्ती आए, सिस्टम में सुधार हो और प्रतिवर्ष भर्ती आए। तमाम मांगों को लेकर हमारा राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ संघर्ष करता रहेगा, आपके सपनों को साकार करने के लिए लड़ता रहेगा, चाहे इस लड़ाई के दौरान चाहे जान जाए, चाहे जेल जाए, चाहे कुछ हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये चीजें अंतिम उपाय है जो सरकार नहीं सुने, वर्तमान सरकार हमारी हर मांग को मान रही है, वर्तमान सरकार हम लोगों से मिल रही है, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम मिल रहे हैं, तो ऐसे में हमें सरकार के साथ खड़ा रहकर काम करना होगा। जो व्यक्ति हमारा साथ देता है उसके साथ हमें रहना होगा। पिछली सरकार में भी एक नारा दिया था, हमारा काम करो हम आपके साथ है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, हम विरोध में हो गए। तो वर्तमान सरकार हमारे साथ है तो हम साथ हैं। इसलिए दोस्तों विरोध तब होता है जब हमारे साथ धोखा हो, अभी धोखा नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा हो रहा तो हम साथ हैं, धोखा होगा तो सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष पर रहेंगे। हमने हथियार रखना छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं बोला, यानी कि संघर्ष करना छोड़ा है, यानी कि जो आंदोलन संघर्ष तो जारी है अभी भी, लेकिन संघर्ष कौन सा, अनशन करना, रैली निकालना, एक तरह से बड़ा उग्र आंदोलन करना, वो छोड़ा है। गांधी जी नीति के तहत हम संघर्ष कर रहे हैं और गांधी जी नीति के तहत हम अपनी बात रखें, क्योंकि सरकार हमारी मांगे सुन रही है, सरकार हमारी बात मान रही है, तो सरकार के साथ हम रहकर काम करवा रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारे साथ धोखा हुआ उस दिन हम लोग फिर से संघर्ष के मैदान में उतरेंगे, उस संघर्ष को जो एक ऐतिहासिक संघर्ष होता है उस संघर्ष में हम हमारी जान भी बाजी लगाते थे, पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आप लोग इसको लोग होंगे, आपके सपने साकार होंगे और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। धन्यवाद।